दड़पे की मुर्गी। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? गुरुजी ने शिष्य से खुद इसका उत्तर देने के लिए कहा। शिष्य एक क्षण के लिए सोचने लगा और बोला, मुझे लगता है कि अगर किसी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, खाना पीना मिल जाए, रहने के लिए जगह हो, एक अच्छी सी नौकरी या कोई काम हो, सुरक्षा हो, तो वो खुश रहेंगे। ये सुनकर गुरुजी कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए चलने लगे। वो एक दरवाजे के पास जाकर रुके और बोले, इस दरवाजे को खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला, सामने मुर्गी का दड़बा था। वहां मुर्गियों और चूजों का ढेर लगा हुआ था। वो बोले, बड़े बड़े पिंजरे में सारे के सारे कैद थे, आप मुझे ये क्यों दिखा रहे? शिष्य ने आश्चर्य से, पर इस पर गुरु शिष्य से ही प्रश्न उत्तर करने लगे, क्या इन मुर्गियों को खाना मिलता है? हाँ। क्या इनके पास रहने को घर है? हाँ, कह सकते हैं। क्या ये यहां कुत्ते बिल्लियों से सुरक्षित हैं? बिल्कुल। क्या उनके पास कोई काम है? हाँ, अंडा देना। क्या वो खुश हैं? शिष्य मुर्गियों को करीब से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि कैसे पता किया जाए कि कोई मुर्गी खुश है भी या नहीं, और क्या सचमुच कोई मुर्गी खुश हो सकती है। वो ये सोच ही रहा था कि गुरुजी बोले, मेरे साथ आओ। दोनों चलने लगे और कुछ देर बाद एक बड़े से मैदान के पास जाकर के रुके। मैदान में ढेर सारे मुर्गियां और चूजे थे। वो ना किसी पिंजरे में कैद थे और ना उन्हें कोई दाना डालने वाला था। वो खुद ही ढूंढ ढूंढ कर दाना चुग रहे थे और आपस में खेल कूद रहे थे। क्या ये मुर्गियां खुश दिख रही हैं? गुरुजी ने पूछा। शिष्य को ये सवाल कुछ अटपटा लगा। वो सोचने लगा, यहाँ का माहौल अलग है और ये मुर्गियां प्राकृतिक तरीके से रह रही हैं, खा पी रही हैं और ज्यादा स्वस्थ दिख रही हैं। और वो तभी आवाज में बोला, शायद बिल्कुल बिल्कुल ये मुर्गियां खुश बेतुके मत बनो। गुरुजी बोले, पहली जगह पर जो मुर्गियां हैं उनके पास तो सारी चीजें हैं जो तुमने खुश रहने के लिए जरूरी मानी थी। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, खाना पीना रहना सब कुछ है, करने के लिए काम भी है, सुरक्षा भी है, पर क्या वो खुश हैं? वहीं मैदानों में घूम रही मुर्गियों को खुद अपना भोजन ढूंढना है, रहने का इंतजाम करना है, अपनी और अपने चूजों की सुरक्षा करनी है, पर फिर भी वो खुश। गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, हम सभी को एक चुनाव करना है। या तो हम दड़बे की मुर्गियों की तरह एक पिंजरे में रहकर जी सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, या हम मैदान की उन मुर्गियों की तरह जोखिम उठाकर एक आजाद जीवन जी सकते हैं और अपने अंदर समाहित अनंत संभावनाओं को टटोल सकते हैं। तुमने खुश रहने के बारे में पूछा था ना, तो यही मेरा जवाब है। सिर्फ सांस लेकर तुम खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए तुम्हारे अंदर जीवन को सचमुच जीने की हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए खुश रहना है तो दड़बे की मुर्गी मत बनो जनाब।